खरगोन जिले की सनावत पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। उक्त आरोपी द्वारा 54 करोड़ की राशि का घोटाला किया गया था। दरअसल 2016 में सहकारिता अंकेक्षण अधिकारी काशीराम आवसे ने सनावत पुलिस को शिकायत की थी कि अवंती सूत मिल के प्रबंधक संचालक आरोपी राजेंद्र साकलिया ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर जिला केंद्रीय सहकारी केंद्र बैंक से करीब 54 करोड़ का ऋण लेकर सामान खरीदी सहित अन्य मामलों में घोटाला किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को भोपाल के जहानाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पर यहां पर जब मैंने पूछताछ की, अपराध दिवस से दबाए जाने जिसको गिरफ्तार किया गया, इसके पुत्र को सूचना दी गई, फिर माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि इसका 13 तारीख तक का रिमांड दिया जाए, क्योंकि कुछ आवश्यक प्रपत्र विवेचना के दौरान इंदौर से जब्त किया जाना है और बहुत शीघ्र इसमें हम चालान प्रस्तुत करें। सर कितने टाइम तक फरार रहे थे ये देखा जाए तो लगभग 13 महीने से फरार था। मतलब 13 महीने पहले इसकी उपस्थिति थी, ये एक दो बार 13 महीने पहले रिप्रेजेंटेशन देने यहाँ भी आया, वरिष्ठ अधिकारियों से ही मिला, और उसके बाद जब इसकी गिरफ्तारी की स्थिति बनी तो ये फरार हो गया। उक्त आरोपी पर पुलिस ने 1000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। वहीं पुलिस द्वारा लंबे समय से आरोपी की तलाश की जा रही थी। JSR टाइम्स के लिए खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।